हेलो एवरीवन, मैं हूं कनिष्का शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। तो आज मैं बात करूंगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है और ये कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो अगर आप भी अपना करियर डिजिटल वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी इस कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, तो आगे वीडियो देखना ना भूलें। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट एग्जिस्ट ऑनलाइन। और डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल चैनल्स लाइक डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। Most of businesses have specifies audience and business owners try to reach their target audience and digital marketing help to reach target consumers. तो आप देखते हैं why digital marketing. So digital marketing now play major role because your 80% customers are online. Currently in India, 800 million mobile phone users and as per McKinsey, number of smartphones to double by 2023. And Indian mobile data users consume average 8.3 GB of data each month. So now almost your 80% consumers target audience are available online. With the help of digital marketing tool, you can reach out target audience and interaction in real time. Traditional advertising like print ad, TV and radio advertising, none of them are unable to reach the target audience and you can't interact in real time. So benefits of online marketing, that is you can interact in real time, you can reach global market, you can save money because of traditional मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव एंड यू कैन ट्रैक रिस्पॉन्स ईच एक्टिविटी। तो आइए अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो गाइज, हमने आपको स्क्रीन पर डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस दिया है, जैसा कि आप दो कॉलम्स में देख सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको हायर लेवल ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट मिलता है, फुल कंट्रोल ओवर टाइमिंग, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव, बिगर ऑडियंस रेंज, you can update creative easily and you control price and full campaign measurement. तो अब traditional marketing में जैसे कि print, TV, outdoor, little interaction होता है आपका audience के साथ, no control over timing, higher cost होती है, limited customization options होते हैं, cannot be easily updated and inability to disclose full pricing details और पुअर कैंपेन मेजरमेंट। तो आइए अब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, जैसे कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक यानी PPC एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटिव एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन PR, चैटबॉट्स एंड YouTube मार्केटिंग। अब हमने आगे आपको इन्हीं चैनल्स को इलाबोरेट करके बताया है आपकी सहूलियत के लिए। तो आइए जैसे कि SEO के बारे में जानते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। SEO इज अ प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज योर वेब पेज और अ वेबसाइट इन गूगल सर्च। Via SEO, you can increase organic free traffic on your website or blog. तो आइए अब जानते हैं SEO approach के बारे में। तो इसके तीन parts होते हैं, पहला on page SEO, off page SEO and technical SEO. तो on page SEO है, on page SEO focuses on content placement, keyword in between content, headings or alt tags etc. And off-page में, off-page SEO focuses on link popularity of the website. You can increase of backlinks of the website via guest posting, articles, good quality business directories. Technical SEO focuses on backend of the website like code optimization, image compression, schema implementation, CSS and JS comparison for वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो अब बढ़ते हैं कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। तो कंटेंट मार्केटिंग प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन क्रिएट एंड प्रमोट योर कंटेंट सो दैट यू कैन इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, जनरेट लीड्स एंड कस्टमर्स। तो अब देखते हैं कंटेंट मार्केटिंग का अप्रोच, जो कि हमने आपको स्क्रीन पर शो किया है, जैसे कि वेबसाइट पेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाइट पेपर्स, टेस्टिमोनियल्स, इमेजेस,
ब्लॉग पोस्ट, ई बुक्स, केस स्टडीज, वीडियोज एंड इन्फोग्राफिक्स। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रैक्टिस प्रमोट योर ब्रांड एंड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन फॉर योर बिजनेस। Most of the companies are using social media marketing to support their digital marketing campaigns and drive more traffic to their website. तो आइए अब देखते हैं channels for social media marketing, जैसे कि Facebook, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, WeChat, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp and Caffeine Lasso by Facebook. तो आइए अब PPC advertising के बारे में बात करते हैं, यानी pay-per-click. PPC is a method of driving paid traffic to your website quickly. In PPC ad, you can pay for each click. Google ad is the most popular PPC ad platform. Why PPC is important? SEO is an ongoing activity and it takes time to show the results. So PPC ads comes quickly and you get the visibility on top. तो आइए अब देखते हैं PPC channels को, जैसे कि Google, LinkedIn, Amazon, Facebook, Twitter and Bing. तो आइए बात करते हैं affiliate marketing के लिए। तो affiliate marketing is a performance based advertising where you can get commission for the promoting someone else's product or services on your website. And you can get the commission on per sale or per lead or sometime on per click. तो अब affiliate marketing platforms देख लेते हैं, जैसे कि शेयर सेल, एविन, अमेजॉन एसोसिएट्स एंड ईबे पार्टनर्स, वेब गेंस, शॉपिफाई, स्टूडियो प्रेस, क्लिक बैंक, ब्लू होस्ट, लीड पेजेस, सीजे यानी कमीशन जंक्शन एफिलिएट। तो अब आगे बढ़ते हैं नेटिव एडवर्टाइजिंग की तरफ। तो इट इज अ पेड कंटेंट एंड नेटिव एड सिंक्स ब्यूटीफुली विद वेब कंटेंट एंड रिसीव द मोर अटेंशन एंड डज नॉट रियली लुक लाइक अ एडवर्टाइजिंग एट ऑल। So Facebook advertising and Instagram advertising are best examples of native advertising. तो अब native advertising के platforms देखते हैं, जैसे कि redirect.com, Outbrain, Nativo, Gravity, Triple Lift, Native Ads, Taboola and Ads Native. इसके बाद आगे बढ़ते हैं marketing automation की तरफ। तो in the digital marketing, few tasks are repetitive. And we are doing manually, but now in the market, there are very good software are available to serve your marketing operations. Examples, email newsletter, social media posting, lead nurturing workflows, campaign tracking and reporting. तो आइए बात करते हैं marketing automations या tool platforms की, जो कि हमने आपको screen पर दो columns में divide किया है, task और उनका automation tools. तो जैसे कि email newsletter, Constant Contact, MailChimp and Customer IO, Social Media Posting, Hootsuite, Buffer, eClincher, Lead Nurturing, Lead Squad, Acton, Marketo and Pardot, Campaign Tracking and Reporting, Cafe, Supermetrics, Analytics Canvas, CallRail, Smartsheet. तो अब देख लेते हैं ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विद ऑडियंस टू इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस, प्रमोट द इवेंट्स एंड डिस्काउंट। सो टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, जैसे कि सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर, फॉलो अप्स ईमेल्स, वेलकम ईमेल्स, स्पेशल डिस्काउंट प्रमोशन, सजेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक ईमेल्स। तो अब ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, ड्रिप, सेंड इन ब्लू, कन्वर्ट किट, MailChimp and GetResponse. इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन PR की तरफ। तो ऑनलाइन PR is the practice to get online coverages with the digital publication, blogs and third-party publisher websites in a one single line. It is much like traditional PR but in the form of online space. So online press release distribution options like Vocus, PR Newswire, Business Wire, Market Wire, PR Web and VMS. तो बढ़ते हैं चैटबॉट्स की तरफ। तो चैटबॉट्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट ऑफर इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज टू हेल्प कस्टमर्स। ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट्स, चैटबॉट्स मोस्ट पॉपुलर इंटरफेस टू कनेक्ट बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। इन फ्यूचर चैटबॉट विल कंट्रोल 80-90% ऑफ ऑल कस्टमर सर्विस। A recent study shows that a delayed response by even 10 minutes can decrease your chances of a sale by 400%. So currently chatbots are being used for many objectives like saving time and money, generating leads and sales,
pushing users to better product or services and providing 24 hours support and personalizing experience. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो मार्केटिंग की तरफ. तो इट इज अ वेरी सिंपल वे टू प्रमोट योर ब्रांड services with the help of video on YouTube. So YouTube is the second largest search engine. So why video marketing is important? Because video gains high engagement rates and more, and 60 to 70% of consumers have shared a video, and 72% of videos have improved sales conversion rate, and 52% of consumers watch video before purchasing. सो अब टाइप्स ऑफ वीडियो मार्केटिंग वीडियोस की बात करें तो जैसे कि डेमो वीडियोस, ब्रांड वीडियोस, इवेंट वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, 360 डिग्री एंड वर्चुअल रियलिटी वीडियोस, लाइव वीडियोस, एक्सपर्ट इंटरव्यूज, एजुकेशनल और हाउ टू डू वीडियोस, एक्सप्लेनर वीडियोस, केस स्टडी एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियोस, ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियोस, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस. इसी के बाद बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज की तरफ. इस कोर्स को करने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, पीआर एजेंसीज, ई कॉमर्स कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिकम यूट्यूबर, बिकम अ ब्लॉगर एंड स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग और स्टार्ट फ्रीलांसिंग सर्विसेज एंड स्टार्ट योर ओन एजेंसी ऑल्सो. तो अब जॉब प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूँ कि इन एम्प्लॉयमेंट एरियाज में आप किस प्रोफाइल पर जा सकते हैं, तो जैसे कि SEO एग्जीक्यूटिव, SEO मैनेजर, कॉन्टेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, PPC मैनेजर, गूगल एड स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन कोऑर्डिनेटर, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव यानी ORM एग्जीक्यूटिव, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर. तो अब देखते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो कि आपको हायर करती हैं, जैसे कि आई प्रोस्पेक्ट, वॉट कंसल्ट, डेंटसू वेब चटनी, रिजल्ट ट्रिक्स, सेपियंट रिजर्विश, ग्रुप एम, रीप्राइस, ओगिलवी, टू द न्यू डिजिटल, CIS, BC Webwise, लंगूर, मिरम एंड वाई व्यू. इसी के साथ बढ़ते हैं आगे सैलरी ट्रेंड्स की तरफ जो कि हमने आपको स्क्रीन पर शो किया है. हर प्रोफाइल के सामने उनका एंट्री लेवल, मीडियम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल सैलरी. तो आइए देखते हैं जैसे कि प्रोफाइल्स हैं. SEO एग्जीक्यूटिव 2.5 to 8.5 lakhs, SEO मैनेजर 4 to 12 lakh, कॉन्टेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 3.5 to 14 lakh, सोशल मीडिया मैनेजर 3.5 to 11 lakhs, Digital Marketing Consultant 3 to 12 lakh, Marketing Automation Coordinator 2.8 to 13 lakh, Online Reputation Management Executive यानी ORM Executive 3.5 to 10 lakh, Email Marketing Specialist 2.5 to 10 lakh, Online Marketing Manager 4.5 to 15 lakh. अब इसी सैलरी ट्रेंड को हमने आपको एक चार्ट के थ्रू भी आगे स्क्रीन पर समझाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. और अगर आप भी करना चाहते हैं ये कोर्स हमारे यहाँ पर, तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ पर क्लिक कर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और जल्द ही हमारे यहाँ भी आप इस कोर्स को कर सकेंगे विद प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग. तो जैसे कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं मिस्टर रजनीश कुमार, जिनको है 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, एंड मिस्टर नवनीत कुमार विद एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर्स, जो कि आपको देंगे ट्रेनिंग. तो जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी आगे भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड वीडियोस. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.